गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ये लेसन में कवर करेंगे एडिंग ए पिक्चर इमेज। पावर पॉइंट में एक पिक्चर इमेज ऐड करेंगे, चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर। क्या करेंगे ना, उसका जो बैकग्राउंड होता है उसका कलर चेंज करेंगे। बैकग्राउंड कलर के अंदर आपका क्या क्या कवर करेंगे ना, सॉलिड बैकग्राउंड कलर, ग्रेडियंट कलर, टेक्सचर फिल कलर एंड कस्टम इमेज फिल। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले क्या करूँगा ना, पावर पॉइंट ओपन करूँगा। सिंपली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, पावर पॉइंट सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पावर पॉइंट मेरा आ गया, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अभी ये पावर पॉइंट ओपन हो रहा है, तो ओपन हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा ना, ब्लैंक लूँगा, क्योंकि ना मेरे को बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेता हूँ, कोई थीम सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो अभी मेरे क्या हो गया ना, ये जो पावर पॉइंट ओपन हो गया, तो अब मेरे को क्या करना है ना, यहाँ पे इमेज इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इमेज इंसर्ट करने के लिए मैं पहले कहाँ पे जाऊँगा ना, देखो यहाँ पे फाइल होम देन इंसर्ट, कहाँ पे जाना है मेरे को, इंसर्ट टैब में जाना है। तो मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जब इंसर्ट के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है पिक्चर्स। ठीक है, तो उस सेकेंड में आपको किसके ऊपर क्लिक करना है ना, पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। जब आप पिक्चर के ऊपर क्लिक कर दोगे, आपका जो जो लोकेशन में क्या है पिक्चर है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो ना, डायरेक्टली ले सकते हो। मेरे डेस्कटॉप में एक पिक्चर है, तो मैं डेस्कटॉप से वो पिक्चर लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे पिक्चर है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन इंसर्ट। तो क्या आ जाएगा ना, आपका पिक्चर पावर पॉइंट में ओपन हो जाएगा। यह अभी मेरा पिक्चर ओपन हो गया। तो उसके बाद क्या था, एडिंग ए पिक्चर इमेज। ठीक है, तो हम क्या कर दिए ना, अभी इमेज इसमें ऐड कर दिए। सेकेंडली था क्या, चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर। यू कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर अपियरेंस ए स्लाइड बाय इंसर्टिंग कलर ग्रेडियंट टेक्सचर इमेज। ठीक है, तो एक बार ये करेंगे। तो पहले है सॉलिड बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो इसको करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, ये पेज में जाना है। तो उसके बाद स्टेप वन में आपको लिखा है, स्टेप वन में कहाँ पे जाना है ना, डिजाइन टैब। यहाँ पे देखो इंसर्ट, इंसर्ट के पास क्या है, डिजाइन। तो डिजाइन टैब है, तो मैं क्या करूँगा ना, मेरा पॉइंटर जहाँ पे है, तो डिजाइन टैब को मैं सिलेक्ट करना है। तो अभी जब डिजाइन टैब को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपका फॉर्मेट बैकग्राउंड, तो एक ऑप्शन होगा यहाँ पे, देखो फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन है, फॉर्मेट बैकग्राउंड जहाँ पे मेरा पॉइंटर अभी है। तो मैं क्या करूँगा ना, उसको सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट बैकग्राउंड। तो जब सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखो सारे सारे आ गया। यहाँ पे देखो सॉलिड सॉलिड फील है, ग्रेडियंट फील है, पिक्चर और टेक्सचर फील है, पैटर्न फील है। तो मेरे को पहले क्या है, ग्रेडियंट फील सॉलिड फील करना है। तो मैं यहाँ से कलर सिलेक्ट करना पड़ेगा, सपोज मैं रेड बैकग्राउंड रखता हूँ। तो अभी क्या आ गया ना, मेरा सॉलिड बैकग्राउंड फील हो गया। ठीक है, जब अप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा ना, ये जो मेरा पेज है वो क्या आ जाएगा, सॉलिड कलर से फिल हो जाएगा। तो अप्लाई ऑल, ठीक है, अप्लाई ऑल कर दिया, तो क्यों हो गया। अभी सेम ही मेरे को क्या करना है, और एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करके उसमें इसको क्या करना है मेरे को ना, वाइट करना है, क्या ना वाइट करना है। तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ। अभी ये व्हाइट हो गया, तो इसको मैं क्या करना चाहता हूँ ना, मैं इसको ग्रेडियंट फिल करूँगा। ठीक है, ग्रेडियंट, सेकंड में क्या लिखा था, ग्रेडियंट फिल, सेकंड में, हाँ ग्रेडियंट फिल। तो अभी ग्रेडियंट फिल करके देखेंगे कैसे कलर बन रहा है। यहाँ पे ग्रेडियंट, उसके बाद देखो यहाँ पे सारे सारे क्या है ना, आपका कलर स्केल है।
तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो ना वेरी करके चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे कलर सिलेक्ट करना है तो आप भी कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। ग्रेडियंट फिल ठीक है, तो यहाँ से जाके भी आप क्या कर सकते हो ना कलर वेरी कर सकते हो। यहाँ पे भी आपका शैडो टाइप कैसे बनाना चाहते हो वहाँ पे भी सेट कर सकते हो। ये सारे सारे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे प्रेजेंट ग्रेडियंट है, टाइप है, उसमें लीनियर रेडियल लोगे तो मतलब क्या होगा इस टाइप का बनेगा, और आप सपोज क्या रेक्टेंगुलर लोगे तो इस टाइप का होगा, और पैथ इस टाइप का है, और सैड फॉर्म टाइटल तो इस टाइप का बनेगा। तो सबसे अच्छा लीनियर लग रहा है तो लीनियर लो। उसके बाद यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो ना और डिफरेंट कलर को भी सारे सारे एडजस्ट कर सकते हो ठीक है। ये था आपका ग्रेडियंट कलर, तो अप्लाई करना है तो अप्लाई टू ऑल कर दोगे तो सब में क्या हो जाएगा ना आपका ग्रेडियंट कलर अप्लाई हो जाएगा। सेकेंडली आपका था ग्रेडियंट कलर के बाद टेक्सचर फील ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे टेक्सचर फील करके उसको देखेंगे। तो क्लोज करता हूँ, कहाँ पे जाना है ना डिजाइन टैब, देन फॉर्मेट बैकग्राउंड, देन उसके बाद पिक्चर और टेक्सचर फिल ठीक है। इसके ऊपर जाऊंगा तो इसके ऊपर जब जाओगे तो यहाँ पे देखो सारे सारे फाइल यहाँ पे ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शन सारे हैं। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो ना आपका ये जो पावर पॉइंट का बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो सेमी। फिर और आपका लास्ट में था पैटर्न फिल ठीक है, तो पैटर्न फिल में यहाँ पे देखो सारे सारे डिफरेंट टाइप का सेप हो जाएगा। यहाँ पे मैं होम को जाके एक ब्लैंक पेज लेता हूँ यहाँ पे पैटर्न फील है ठीक है। आप क्या करोगे ना यहाँ पे डिफरेंट टाइप का पैटर्न भर सकते हो सब आपका है ठीक है। ग्रेडियंट फील एंड ये था पैटर्न फील। तो ये था हाउ टू चेंजिंग द बैकग्राउंड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो पहले हम किसको कवर किए थे ना सॉलिड, ये वाला सॉलिड था। यहाँ से क्या होगा ना आपका डायरेक्ट कलर फील हो रहा है। ग्रेडियंट में जब जाते हो यहाँ पे क्या कर सकते हो ना आप कलर को एडजस्ट कर सकते हो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहाँ तक आपको कैसे भरना है। और उसके बाद आपका पिक्चर टेक्सचर में क्या होता है ना यहाँ पे आपको कोई एक पिक्चर का शेप सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसको सिलेक्ट करोगे वो पिक्चर आपका क्या हो जाएगा ना पावर पॉइंट का बैकग्राउंड बन जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा पिक्चर्स दिया है, ठीक है, ये मछली टाइप का हो गया। तो सेमी आप सपोज क्या जानना, ठीक है, ये सारे सारे देन आपका पैटर्न फिर था, पैटर्न के अंदर आपका बहुत सारा डिजाइन का पैटर्न था। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कोई भी पैटर्न को सिलेक्ट करके आपका आपका प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड बना सकते हो, ठीक है। इतना तक आपका है हाउ टू चेंज डेस्कटॉप जो पावर पॉइंट बैकग्राउंड। इसके रिलेटेड किसी को डाउट्स आएगा तो क्या करोगे, मेरे को मैसेज करके बताना। थैंक यू।